beautiful girls out there, if you are a boy and still watching it, hello to you too. मैं आज review करने वाली हूँ watermelon gel by good vibes. Basically इसको मैंने बहुत जल्दी review नहीं करना था, okay? लेकिन मुझे बहुत सारी request आ रही थी कि please इसको review करो, because मैंने जब इसको लिया, I think I have just taken, like अगर आपने मेरा purplle का haul देखा होगा तो मैंने अभी इसको लिया है. वैसे मैं use तो कर रही हूँ इसको जब से मुझे पता है कि मुझे इसका review करना है, क्योंकि प्रोडक्ट को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. फिर मैंने इसको इतना यूज़ किया कि मुझे इतना पसंद आ गया कि मैंने सोचा यार चलो अब रिव्यू करना चाहिए. तो चलिए देर किस बात की, लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस. तो मैंने इसको लिया था ऑफकोर्स purplle.com पे, बिकॉज ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड आपको सिर्फ purplle.com पे मिलेगा. वैसे क्या वैरायटी है यार गुड वाइब्स के पास. अगर आप जाके देखो ना purplle.com पे, ओ माय गॉड, दे हैव सो मैनी थिंग्स और बहुत ही अफोर्डेबल कीमत में आपको मिलते हैं. मुझे हर चीज़ लेने का मन करता है, टू बी ऑनेस्ट. आई विश गुड वाइब्स मेरे साथ कोलैबोरेट करे और मुझे वो प्रोडक्ट्स भेजे ताकि मैं ट्राई करूँ और आपको बताऊँ, क्योंकि हर चीज़ लेना, इवन दो इट्स अफोर्डेबल, आई डोंट नो. एनीवे, तो 50 ग्राम का है जो मैंने लिया है, 175 की एमआरपी है. purplle.com पे आपको हमेशा सेल मिलेगा गुड वाइब्स के ऊपर. और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई पैराबेंस नहीं है, सल्फेट्स नहीं है और ये क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है. तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, बट हाईली रिकमेंडेड फॉर ड्राई स्किन. इफ़ यू सी द पैकेजिंग, इट्स अ टब पैकेजिंग और यहाँ पे वाटरमेलन वगैरह दिया गया है. ये जो कैप है गोल्डन कलर का, इसको निकालने के बाद ये आपको अंदर एक कवर मिलेगा जिसको आप निकालो और इस पर भी प्रोडक्ट आ जाता है. सो जस्ट बी केयरफुल. और तो मैं इसको लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ. बहुत ही लाइट पीची पिंक कलर है, मुझे बहुत पसंद आता है, इसको देख के मज़ा आता है. तो ये है जेल, और बिकॉज इट्स अ जेल इट जस्ट मेल्ट्स डाउन. ओके, इसकी मतलब टेक्सचर या कंसिस्टेंसी आप देखो तो आपको पता चलेगा. अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है थोड़ा कम लीजिए, बट बिलीव मी ये रहेगा नहीं स्किन के ऊपर, ये मेल्ट डाउन हो जाएगा, अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा और ऐसे गायब हो जाएगा कि आपको लगेगा आपने लगाया था कि नहीं. क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और जब मैंने इसको पहली बार लगाया तो मुझे लगा अरे यार ये ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही एक दो चार मिनट हो गए इट जस्ट गोज, मतलब कहाँ जाता है पता नहीं चलता, आपकी स्किन पी लेती है इसको, इट जस्ट ड्रिंक्स दैट जेल आई फील. ये थोड़ी स्ट्रांग लग सकती है किसी किसी को, आई डोंट माइंड इट, मुझे ये ठीक लगी. और जब आप इसको टब से स्मेल करने की कोशिश करो तभी आपको स्ट्रांग लगेगी, जब आप इसको अप्लाई करते हो तो ये आपको स्ट्रांग नहीं लगेगी. वैसे समर सीजन स्टार्ट होता है तो वाटरमेलन तो दिमाग में आ ही जाता है, बिकॉज इट्स टू वाटरी, इट्स टू जूसी एंड इट्स वेरी गुड कूल, मतलब समर सीजन में उसका बहुत ही फ़ायदा होता है हमें. तो अगर आपको वाटरमेलन जेल मिल रहा है आपके स्किन के लिए, सो वाई नॉट टू ट्राई दैट. वैसे एलोवेरा जेल यूज़ कर करके अगर आप थक चुके हो तो यू कैन ट्राई दिस प्रोडक्ट, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे. और ये प्रोडक्ट की खासियत मुझे ये लगी कि ये क्लेम करता है कि आपको सारी चीज़ें देगा, मतलब ये यहाँ पे मैं लिस्ट डाउन कर देती हूँ, एजिंग फैक्टर, इलास्टिसिटी, हाइड्रेशन, एवरीथिंग, इट क्लेम्स बेसिकली एवरीथिंग. मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब बात लगी कि ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, इट गिव्स यू कूलिंग इफेक्ट, और बिकॉज इट गिव्स यू हाइड्रेशन चेहरे की या स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन होती है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन एक्चुअली से कि आपके स्किन को ना रिंकल्स या एजिंग फैक्टर्स से बचा सकता है. आपकी स्किन अगर डिहाइड्रेटेड है तो वो डल लगती है, अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड है वो ग्लोई लगती है, तो वाटरमेलन जेल एग्जैक्टली वही करता है. इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो आपकी स्किन को रेडिएंट बनाते हैं. इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो आपकी इरिटेटेड स्किन को सूट डाउन करता है. तो अगर सनबर्न हो चुका है, बहुत धूप में जाके आए हो, तो यार इसको लगा के बैठो थोड़ी देर, यू विल फील रिलैक्स्ड. मैं इसको लाइक मॉइस्चराइज़र की तरह लगाती हूँ आफ्टर माई टोनिंग. मैं कोई और क्रीम यूज़ कर रही थी
थी बट बिकॉज मुझे इसका रिव्यू करना था आई हैव स्टॉप्ड इट एंड आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट टू गेट टू नो अबाउट दिस. तो मैंने इसको बहुत अच्छे से लाइट मॉइस्चराइज़र की तरह लगाया एंड मेरी स्किन ऑयली है तो आई डोंट नीड एनी अदर यू नो मॉइस्चराइज़र ऑन टॉप ऑफ दिस. बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको लगाने के बाद फिर से कोई मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम या सनस्क्रीन लगाओ जो आपको और हाइड्रेशन दे या और मॉइस्चराइजेशन दे बिकॉज ओनली दिस विल नॉट सर्व द पर्पज फॉर ड्राई स्किन बिकॉज इट्स अ लाइट जेल विच जस्ट सिंक्स डाउन. यूज़ करने के तरीके जब मैंने पढ़े तो उसमें लिखा था कि ये आपके बालों के लिए भी अच्छा है. तो जिस तरह से आप एलोवेरा पैक बालों के लिए यूज़ कर सकते हो उसी तरह ये भी यूज़ कर सकते हो. मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक टू बी ऑनेस्ट. या फिर आप कोई मिस्ट बना सकते हो फेस मिस्ट या लाइक यू नो हेयर मिस्ट. थोड़ा सा ये जेल लीजिए उसमें पानी डालिए जस्ट शेक इट तो ये आपका यू नो मिस्ट रेडी हो गया जो आप स्प्रे कर सकते हो फेस पे या जस्ट अप्लाई करो आपके बालों पे. थर्ड थिंग आप इसको किसी भी DIY में यूज़ कर सकते हो फेस पैक्स में यूज़ कर सकते हो. मैं बताती हूँ आपको इसको मैंने मेजॉरिटी टाइम जब यूज़ किया है मैंने इसका थिक लेयर लगाया है फेस पे ओके एंड देन आई हैव जस्ट केप्ट इट एज इट इज़. तो इसको मैं एज अ फेस पैक ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज इट गिव्स सो कूलिंग इफेक्ट. मतलब मैं जब भी बाहर जाके आती हूँ ना आई नीड दिस प्रोडक्ट. जैसे एलोवेरा जेल मैं यूज़ करती थी उसी तरह इट इज़ माई लाइक गो टू प्रोडक्ट नाउ. तो ये हुई सारी बातें वाटरमेलन जेल के बारे में. मुझे कोई इससे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हैं बाय द वे सो इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट बिकॉज मेरी स्किन सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन है. सो इसको यूज़ करने के बाद तो मुझे कोई इश्यूज़ नज़र नहीं आए. सो दैट्स ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट. वैसे इसमें बहुत सारे वेरियंट्स अवेलेबल है यू कैन चेक इट आउट ऑन purplle.com. सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक आप आपका ख्याल रखिए. बाय बाय टेक केयर गाइज. अरे यार आई एम नॉट हैप्पी दिस साइड. मुझे नहीं अच्छा लगता इस साइड में. आई नीड टू चेंज माय फेस. वैसे मुझे गुड लाइफ. तो जब मैंने देखा कि यार बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया. एंड जितना ज़्यादा मैंने इसको यूज़ किया है ना उतना ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं हो रहा है.